नमस्कार आदाब, मैं आपके साथ इमराना हिंदुस्तानी। जन सामान्य को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का लाभ देने के लिए तकनीकी के माध्यम से बेहतर ट्रीटमेंट प्रदान करने के लिए हेल्थ एटीएम का उद्घाटन किया गया। हेल्थ एटीएम के जरिए ब्लड प्रेशर, शुगर, टेम्परेचर, हीमोग्लोबिन, बॉडी ऑक्सीजन लेवल सहित कई अन्य टेस्ट किए जा सकते हैं। बिजनौर जिला अस्पताल में लगाए गए हेल्थ एटीएम का जिलाधिकारी उमेश मिश्रा द्वारा आज फीता काटकर उद्घाटन किया गया। बता दें कि लोगों को इस मशीन के जरिए कम समय में बॉडी के सारे टेस्ट मिल सकेंगे और बिजनौर जनपद में हेल्थ एटीएम मशीन सिर्फ अभी तो एक दो जगह ही लगाई गई है, जो कि बिजनौर जिला अस्पताल और नजीबाबाद CHC में लगाई गई है। उद्घाटन के दौरान जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि सीएम योगी की प्रेरणा और प्राथमिकता के चलते हेल्थ एटीएम मशीन को जल्द बिजनौर जनपद की अन्य CHC पर भी लगाया जाएगा, जिससे आम जनमानस को तकनीकी के माध्यम से बेहतर सुविधा मिल सके। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ संवाददाता तुषार वर्मा, बिजनौर। सर, आज मशीन का उद्घाटन हुआ है, क्या प्रॉब्लम? ये जन सामान्य को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को सहज करने के लिए, सरल करने के लिए तकनीक के माध्यम से बेहतर ट्रीटमेंट प्रदान करने के लिए इस मशीन को यहाँ लगाया गया है और हमारा प्रयास होगा कि लोगों को जल्दी से सारे टेस्ट मिल जाएं, उनकी चेकिंग हो जाए, जिससे उनका बेहतर इलाज हो सके। बिजनौर जनपद में कितनी मशीन है या ये पहली मशीन? अभी आज ये तो पहली है। नजीबाबाद में भी हम एक लगा रहे हैं, वो भी आ गई है, उसको भी एक दो दिन में हम ऑपरेशनल कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, उनकी प्रेरणा है कि हर CHC पे हम लोग प्रयास करेंगे कि वहाँ ये सुविधा हो जाए। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।